हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सबको डैट आपकी बायो के टीचर डैट जो अनिकेत गुप्ता सर से मिलाने आया हूँ। आज की वीडियो में प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका जेकेएसएसबी ने फर्स्ट ईयर का सिलेबस आउट किया, जिसमें आपका 32 मार्क्स का कंपोनेंट डैट जो साइंस, उसमें आपको पता है तीन कंपोनेंट डैट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों की तीनों हमने ट्वेल्थ बेसिस पे पढ़ना है। तो प्रॉपरली आज अनिकेत सर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बायो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस किस कंपोनेंट को हमें पढ़ने की ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में प्रॉपरली सर उधर मेंशन है डैट डैट इज बेस्ड ऑन द ट्वेल्थ। तो क्लास ट्वेल्थ तक बायो का अगर हम बात करें बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन उधर ही मैं बात करूं 32 मार्क्स का आपका साइंस कंपोनेंट है, उसमें तीन में भी अगर हम डिवाइड करते अराउंड 11 मार्क्स एक तरह से मिलते हैं फिजिक्स को, 11 आपके बायो को, 11 आपके केमिस्ट्री को। अब सर उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे, जिस हिसाब से जहां से आपके मैक्सिमम स्कोर हो सके। देखो अगर हम बात करें, आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस वो हमने स्टार्ट कर दी हैं, वो आपका लव सर जो है वो आपके उधर हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने आपको पहले ही बोला था डैट, ये भी नहीं है कि डैट आप उधर सिंपली पूरी 11 ट्वेल्थ कवर करने बैठ जाओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वही चीज है डैट सर आपको इधर अनिकेत सर आपका उतना ही हैंडल करेंगे जिसमें आप एक तरह से अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में पा सको। बाकी गाइस अगर मैं बात करूं डैट, अगर आप हमारा फॉरेस्टर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, जहां पे आपको प्रॉपरली जो लेक्चर है सिस्टमेटिक वे में कंपाइल्ड वे में मिलेंगे, जहां पे आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइडेड कर दिया जाता है, मॉक टेस्ट भी उधर हम जैसे हमारा 50-60% सिलेबस कंप्लीट होता है वो आपको उधर प्रोवाइड कर देंगे, उधर आपके प्रॉपरली डाउट सेशंस भी हम लेंगे, वो आपको प्रॉपरली हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आपने सिंपली आईजी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, या आप सिंपली हमारी डैट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो आईजी क्लासेस की, उधर आपको प्रॉपरली कोर्सेज अवेलेबल है, आप उधर सिंपली विजिट करके ये कंपाइल्ड वे में आपको उधर मिल जाएगा और प्रॉपरली हमारा जो उधर कंटेंट रहेगा प्रॉपरली जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग रहेगा, जिस हिसाब से आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, आप सिंपली मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वॉइस सर की रहेगी, प्रॉपरली वो आपको गाइड कर देंगे कौन कौन सा कंपोनेंट हम आगे कवर करने वाले हैं, किस किस तरह के लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं, किस तरह से आपके जो एमसीक्यू सीरीज भी सर चलाने वाले हैं वो किस तरह से आपकी चलने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है अनिकेत गुप्ता और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर, राइट? सो देखिए, अब ये जो बायोलॉजी है हम किसके रिस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, सो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फॉरेस्टर, जो जेकेएसएसबी के अंडर पोस्ट है फॉरेस्टर की, इसका सिलेबस आपके पास मिल चुका होगा, राइट? और इसके सिलेबस में वहाँ पर मेंशन्ड है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है साइंस, राइट? सो वहाँ पर मेंशन्ड है साइंस, एक सेक्शन है जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली है, अराउंड 32 मार्क्स की है ये सेक्शन, ठीक है? एंड यू नो दैट कि जो साइंस है इसमें तीन डिसिप्लिन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? सो ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है इस साइंस में, ये जो आपको साइंस सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन किया है, और इस साइंस को आपने पढ़ना भी कौन से लेवल पे है, अप टू ट्वेल्थ लेवल, जो आप 11 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जो साइंस होती है उसके लेवल की आपको तैयारी करनी है, राइट? सो उसी तैयारी को करवाने के लिए और स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, और हम इस बायोलॉजी को अच्छे से कवर करेंगे, राइट? ताकि हम उसे एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप इस बायोलॉजी सेक्शन को टारगेट कर सको, और आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आता है तो आप उसे अच्छे से जो है उसका आंसर कर सको, राइट? सो जो भी ये बायोलॉजी वाला पार्ट रहने वाला है वो मैं आपके साथ डील करूँगा, ठीक है? सो इसकी क्लासेस रहेंगी आपको, कुछ क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, कुछ पेड कोर्स में आपके पास इसकी क्लासेस रहने वाली हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी चीज़ हम कवर करेंगे, जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बायोलॉजी सेक्शन से होंगे, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने 10th तक ही पढ़ी होगी, तो वो कैसे इस एग्ज़ाम में अपना 101% दे सकते हैं, कैसे वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको इन क्लासेस में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। आप उन टॉपिक्स को जो भी बायोलॉजी के अंडर आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को कवर करवाऊंगा अपने उन क्लासेस में। तो आपने विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी इन क्लासेस को ज्वाइन करना है, राइट? सो अब हम यहाँ पर
देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेंशन नहीं किया है कि आपने, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये एक मेन कंसर्न है कि हम इन बायोलॉजी की क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने कंटेंट्स की एक लिस्ट यहाँ पर बनाई है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो भी बायोलॉजी के अंडर आते हैं, उनको एनलिस्ट किया है, राइट। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एनलिस्ट हुए हैं, अगर हम स्टार्ट करें तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज़ द सेल। तो हम सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी। जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपको सेल क्या है, सेल कितने टाइप्स के सेल है, सेल ऑर्गेनलीज क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद जो सेकेंड है हमारा, सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जो भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, मे बी आपने उनको नहीं सुना हो, बट मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ोगे, इतने बेसिक्स हम उनको कवर करेंगे ताकि आप उसे ईजिली सीख पाओ, ठीक है। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप गेन कर सको। डैट इज़ द मेन मोटो, राइट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। प्लांट किंगडम, देखिए बायो पढ़ रहे हो तो प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा तो वहाँ से कोई भी उसका फन नहीं रहेगा। तो प्लांट किंगडम क्या है, कितनी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, प्लांट जो दिखता है आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑर्गन्स देखते हो, राइट, वो उनके क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। प्लांट टिश्यूज़, अब बाहर से तो आप मॉर्फोलॉजी तो आपने देख ली, लेकिन जो प्लांट अंदर से कितने टिश्यूज़ उसमें प्रेजेंट है, कैसी उसकी बॉडी बनी है, वो सारे हम प्लांट टिश्यूज़ के टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद एनिमल, अब प्लांट वाला पार्ट हो गया, इसके बाद हम लोग एनिमल के ऊपर कब जाएंगे। एनिमल किंगडम क्या है, जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स आप देखते हो अपने सराउंडिंग्स में, आप इंसेक्ट्स देखते हो, आप लार्ज एनिमल्स देखते हो, स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे हो गए, ठीक है, जितने भी आपके पास एनिमल्स आते हैं वो उसको हमने एनिमल किंगडम में रखा है। अब एनिमल्स को क्लासीफाई कैसे किया है, कॉर्डेट्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, हर एक चीज़। देन एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू, जो भी एनिमल की बॉडी बनी है उसमें कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ये कवर करेंगे। देखिए, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का। जेनेटिक्स, जीन्स किस तरीके से कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे जो नई नई स्पीशीज़ बन रही हैं विद टाइम कैसे चेंज आती है उसमें, ठीक है, ये देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को, जैसे आप लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हो, आप लोग डीएनए के बारे में सुनते हो, डीएनए है हमारे पास, आरएनए है हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर करेंगे। देन डिजीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ लिया जाएगा कि ये आपके पास जैसे कोई भी कोविड है, ठीक है, कोविड किससे हो रहा है, कोरोना वायरस, ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास मलेरिया है, मलेरिया कौन सा उसका कॉजल एजेंट क्या है, स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रही है, डेंगू किससे हो रहा है, पोलियो किससे हो रहा है, तो उसके जो कॉजल एजेंट्स होते हैं जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं उनको कवर करेंगे। एज वेल एज प्लांट, देखिए ऐसा तो नहीं है कि प्लांट को कोई डिजीज़ नहीं होती, प्लांट को भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, बहुत फंगल डिजीजेज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, वायरल डिजीजेज होती हैं। तो जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, जो टोबैको वहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उससे वो डिजीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ये पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी और उसके जो रिलेटेड लॉज होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। कौन सा लॉ किस टाइम पर आया था, क्या उसकी डेट है और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, तो हॉटस्पॉट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में रहने वाली हैं।
एंड लास्टली हमारे पास जो एक और टॉपिक है वो है पॉल्यूशन का. ठीक है, पॉल्यूशन सुनने में तो बहुत इजी है, बट इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन है आपके पास, वाटर है, नॉइज़ है, रेडिएशन पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, तो उसमें छोटे छोटे बेसिक से कुछ भी निकाल के वो पूछ सकते हैं. जैसे आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, इस तरीके से वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. तो हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि हम जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी क्वेश्चंस अगर हमारे पास बायोलॉजी के आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम उसको अच्छे से आंसर कर पाएँ. और जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके, चाहे 10 मार्क्स की आ रही है, 15 मार्क्स की आ रही है, तो पूरी श्योरिटी रहेगी कि आप उसको अच्छे से टारगेट कर सको और वो जो मार्क्स हैं वो आपके अकाउंट में जो है वो आ जाए. राइट, सो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी क्लासेस यहाँ पर रहने वाली हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी. आपने उनको सिंसियर तरीके से ज्वाइन करना है, उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ना है चीज़ों को, और हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके, मैं आपके साथ बहुत सारे PYQs भी कवर करूँगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, नो, लॉन्ग विथ दैट हम बहुत सारे PYQs तो नहीं बोल सकते, MCQs. ठीक है, क्वेश्चंस को फ्रेम करके, ठीक है, क्वेश्चंस को फ्रेम करके कि जो भी आपके पास MCQs होने वाले हैं, कोई भी टॉपिक अगर हमने पढ़ा तो कौन कौन से MCQs उससे बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हो. तो हर एक चीज़ हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से चलने वाले हैं इस पूरे बायोलॉजी को लेकर. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सिंसियर तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आप उसे पढ़ेंगे और दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. राइट, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय.